हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल लजीज खाना खजाना विद शबाना। आज मैंने ये क्रिस्पी मेदू वड़ा की रेसिपी बनाई है और उसके साथ ये कोकोनट चटनी और सांबर। चलिए मिलकर देखते हैं कैसे बनाते हैं क्रिस्पी मेदू वड़ा, सांबर और कोकोनट चटनी। मेदू वड़ा बनाने के लिए हमने ये सबसे पहले 300 ग्राम उड़ीद दाल ली है, 300 ग्राम उड़ीद दाल, जिसको मैंने ओवरनाइट पानी में सोक कर लिया था। और इसको अब मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे से साफ धो लिया है। इसको अब हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। ये मिक्सी में हमने उड़द दाल ली है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा पानी डालकर हमें इसको ग्राइंड करना है। और ये 5 से 6 हरी मिर्च और थोड़ा अदरक लिया है, इसको भी हमें इसके साथ में पीसना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए, ये मेदू वड़ा का आटा हमारा पीसकर ऐसे तैयार हो चुका है। इसको हमें ऐसे ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच चावल का आटा, नमक 1.5 चम्मच और 1 चम्मच मोटा रवा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके हम क्रिस्पी मेदू वड़ा फ्राई करेंगे। मेदू वड़ा के साथ खाने के लिए हम बनाएंगे नारियल की चटनी। उसके लिए हमें चाहिए ये किसा हुआ नारियल। फिर लेंगे थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्च, अगर आपको कम चाहिए तो आप कम भी कर सकते हो, 4 कलियां लहसुन की, 1/4 फुटाना दाल ली है मैंने, 1/4 अदरक। इसमें मिलाएंगे थोड़ा नमक और थोड़ा शक्कर, इससे अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा मीठा थोड़ा तीखा अच्छी बनती है। अब हम इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। के लिए चाहिए हमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल। पहले हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 1/4 कटा हुआ लहसुन, 1/3 कड़ी पत्ता, 1/2 सूखी लाल मिर्च। सांभर के लिए मैंने ये तुअर दाल ली है, 200 ग्राम तुअर दाल, जिसको मैंने कुकर में बॉईल किया था। इसमें मैंने मिलाया था 2 बड़े टमाटर और 1 प्याज। थोड़ा इसमें पानी मिलाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है इमली और गुड़ का पानी, 1 बाटी भर के इमली और गुड़ का पानी, गुड़ और इमली का पानी हम इसमें डाल देंगे।
अब इसके ऊपर हम डालेंगे तड़का सांबर के ऊपर। सांबर के ऊपर तड़का डालने के लिए हम लेंगे थोड़ा तेल। इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये सांबर मसाला। अब हम इसको ये सांबर के ऊपर से छोड़ देंगे। पांच मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पे रख देंगे। देखिए ये हमारा सांबर रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और ऊपर से हम ये हरा धनिया डाल देंगे। हमारा सांबर रेडी है। आप इसमें ड्रमस्टिक भी ऐड कर सकते हो। साउथ इंडियन स्टाइल मेदू वड़ा रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व करते हैं। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।